तो आज हम देखने वाले हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रवासी मजदूर फॉर्म में क्या बदलाव किए गए। तो इसमें यह है कि जो भी लोग एक से ज़्यादा अधिक है, दो या तीन उनके साथ है या फिर उनकी फैमिली है, तो उनके लिए एक नया फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू किया है। तो ये देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में टाइप करना है आपको ई मित्रा पोर्टल। तो ई मित्रा पोर्टल जैसे आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आप एंटर कर दो, तो अब ये हो गया है ई मित्रा वेबसाइट। ये पहले पेज आया है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, ई मित्रा वेबसाइट के ऊपर। तो ई मित्रा वेबसाइट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है जो लाल में लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट, ये पहला वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर ये ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं ये लिखा है माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो आपको अगर राजस्थान जाना है तो इनवर्ट सिलेक्ट कर देना है। इनवर्ट सिलेक्ट करोगे आप तो फिर ये आपको सबसे पहले आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से राज्य से हो, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा, कौन सा भी राज्य है आपको, तो ऐसे सिलेक्ट करके आपको फिर बाद में आपको आपका ज़िला सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपको आपका ज़िला सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको आपका एड्रेस, फिलहाल आप उस राज्य में कहाँ रहते हो, उधर का एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको राजस्थान में कौन से डिवीज़न में आप रहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, तो आप सिलेक्ट कर देना। फिर जोधपुर में आप कौन से ज़िले में रहते हो, जोधपुर डिवीज़न में कौन से ज़िले में है, तो जैसे आप पाली में रहते हो तो पाली सिलेक्ट करें। फिर आपका, फिर उसके बाद आपको तहसील आपका सिलेक्ट करना है कौन सा है, पाली रानी सोजत, तो आपको वो एक लेना है। फिर आपकी ब्लॉक समिति कौन सी है आपके तहसील में, तो फिर वो सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके राजस्थान में जो आपके घर का एड्रेस है वो आपको टाइप कर देना है। वो टाइप करने के बाद आपको अगर फिर आपने ये सिलेक्ट एक से ज़्यादा लोगों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो पहले जो माइग्रेंट है उनका नाम लिख देना है आपको, जो भी आपका नाम है। नाम टाइप करने के बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है, जो भी है मेल फीमेल। तो ये टाइप करने के बाद आपको एंटर आपका एज डालना है। एज डालने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एड माइग्रेंट प्लस एड माइग्रेंट लिखा है, मतलब आपके पास अगर आपके साथ अगर एक और जन है तो फिर एक और क्लिक करें और एड माइग्रेंट करें, उनका नाम, उनका एज, ये सब डाल देना है आपको। तो ये आप उसी जैसे आपने माइग्रेंट वन में डाला था तो आपके साथ जो दूसरे हैं उनका नाम डाल दीजिए, और आपके साथ अगर और एक और है, तीन जन है, तो फिर से प्लस एड माइग्रेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह आपके पास चार है तो चार बार आपको चार नैसो चारों एक एक करके नाम भरने हैं एड माइग्रेंट करके, पांच है तो पांच, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा फॉर्म भर देना है। और आपका जैसे ही ये पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। इधर मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपका, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिया ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, मतलब आपका खुद का वाहन आपके पास है क्या नहीं, तो अगर है तो यस कर देना है। और आपको सिलेक्ट करना है टू व्हीलर है फोर व्हीलर, तो फिर बाद में उसके बाद आपको आपका जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है। और अगर आपका कोई वाहन नहीं है तो नो करके आपको इधर चेकबॉक्स क्लिक कर देना है, ये लास्ट में है, और फिर आपको सबमिट कर देना है बस। और ये सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा।